बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग पढ़ रहे हो एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो याद रखिए, अगर बेस कैटलाइज्ड होंगे ना तो उसमें न्यूक्लियोफाइल इंपावर्ड होगा, वो स्ट्रांग होगा, और अगर एसिड कैटलाइज्ड होंगे तो इसमें न्यूक्लियोफाइल तो वीक ही होगा। फिर जो कार्बन होगा ना, कार्बन जिसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो, ये स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बन विल बी इंक्रीज इन एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे मैं आपको जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, ये स्टेप वन, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ऑक्सीजन विल स्टार्ट रिएक्शन वेयर इट स्टार्ट अटैकिंग ऑन प्रोटॉन। जैसे ही प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, इसके तीन बॉन्ड बनते हैं और तीन बॉन्ड बनाना इसके लिए अनस्टेबिलिटी है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसे बोलते हो ऑक्सोनियम आयन, व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। अब ये चाहता है कि फौरन अपना ट्रिपल बॉन्ड, ये जो एक इधर और दो इधर बने, जो थ्री बॉन्ड बने हुए, अपने इन थ्री बॉन्ड्स को टू बॉन्ड में कन्वर्ट करे, तो ये अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा ना, ये वाला ये बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा, इस कार्बन के थ्री बॉन्ड बन जाएंगे, और थ्री बॉन्ड बनने पर इसका इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बन, इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इतना बढ़ जाएगा कि अब एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने पर अडक्ट बनेगा। और याद रखिए, बेस कैटलिस्ट में भी यही अडक्ट बना था, लेकिन फर्क क्या था, जब बेस कैटलिस्ट होता है ना तो पहले अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल और बाद में आता है एच, और एसिड कैटलाइज में पहले अटैक होता है हाइड्रोजन के ऊपर और बाद में आता है न्यूक्लियोफाइल। अडक्ट मतलब जो एंड प्रोडक्ट है वो दोनों का सेम है, द डिफरेंस इज ओनली मैकेनिज्म। तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो देंगे एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे वो देंगे बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप क्लियर करिए, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन पढ़ा था, तो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपने सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन पढ़ा था, तो सोडियम सल्फाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी और उसमें न्यूक्लियोफाइल था कार्ब एनाइन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपने कैनिजर एडिशन पढ़े और कैनिजर एडिशन के अंदर हाइड्राइड आयन वाज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और आपने आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़े और आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जो आयोडाइड था, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, अमोनिया और डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जैसे मैंने एक एच को हटा के यहां ग्रुप लगा दिया, कोई जी, जी का मतलब कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे वो ग्रुप NH2 हो सकते हैं जिसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन, वो ग्रुप OH हो सकते हैं हाइड्रोक्सल अमीन, वो ग्रुप NH के साथ फिनाइल हो सकते हैं, दैट इज अ फिनाइल हाइड्राजीन। ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ टू कार्बन पर नाइट्रो लगाओ और फोर पर भी नाइट्रो लगाओ, जैसे बोलोगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये हो गए वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल करते हैं एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन।